हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं जो गाइस, आज मैं आ गया हूं इस वीडियो के साथ। किट्टे नाम का ये बंदा है, इसने निकाल रखी है एक वीडियो जिसका नाम है गेम वर्सेस रियल लाइफ कैरेक्टर्स कंपैरिजन ज़ूनोमली। तो इसने ना ज़ूनोमली का जो गेम था ना, उस पर जितने हमें कैरेक्टर्स दिखते हैं उनके रियल लाइफ जो काउंटर पार्ट होंगे, मतलब जिस एनिमल पे जिस इंसान पे वो बेस्ड है, उनकी फोटोज दिखा रखी है। तो यार गेम को खेलते टाइम ना मैं वैसे ही बहुत कंफ्यूज हो रखा था कि आखिर कौन सा कैरेक्टर क्या है। सो जरा इसकी वीडियो चेकआउट करते हैं और पता लगाते हैं कि भाई कौन कौन था। जैसे ये देखो स्टार्टिंग में दिख रहा है कि हमें ये जो गार्ड नहीं था, ये गार्ड ना ये बंदा है। तो ये लड़की कहाँ से आई, अपना काम कर रहा है। गाइज मैंने ना प्लेनेट जो रहस्य में भी ज़ूनोमली के ऊपर एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने ज़ूनोमली की स्टोरी एक्सप्लेन कर रखी है, तो तुम वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। वैसे कर ली होगी आई थिंक तुम लोगों ने, बताना मुझे कॉमेंट्स में चेकआउट कर ली है। तो बाकी इस नमूने को देखते हैं अभी। तो चटका सुर है, एक चटका दिया इसको। और सो ये जो बंदा है वो तो है तुम्हारा जो यहाँ का कीपर था, वो है इन रियलिटी ये। तो ठीक है चलो मैं मानता हूँ कि ये बंदा हो सकता है रियल लाइफ में, नॉट स्पेसिफिकली ये बंदा बट मतलब कोई भी बंदा है, ऐसे रैंडम इंसानी बंदा। ये ऑस्ट्रिच था, हाँ ये तो भाई मैं इसको तो मैं भी ऑस्ट्रिच कह रहा था, इसको तुम लोग भी ऑस्ट्रिच देख रहे थे, मैं भी ऑस्ट्रिच ही कह रहा था। रियल लाइफ में ये ऑस्ट्रिच हो गया, ये ऑस्ट्रिच हो गया, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है ये, ओके तुम इसको तो मैं भी क्वाला ही बोल रहा था भाई, मैं इसको क्वाला नहीं बोल रहा था। तो यही तो क्वाला ही तो होता है ये कोई मिकी, मतलब जो मिकी माउस जैसा दिखता है, मैंने एक बार बोला था इसको, बट फिर मैंने स्पेसिफिकली ना इसको क्वाला ही बोला था कि ये क्वाला ही है। तो ये भी सही है भाई, देखो मैंने एक और सही बताया था क्वाला है करके। कैसे यार ये होते हैं, देखो एक क्वाला कैसे दिख रहा है भाई, इसके इसके वो देखो कैसा लग रहा है, मुंह खोल के खड़ा हुआ है भाई। लेकिन प्यारे होते हैं, लेकिन आई थिंक ये जहरीले भी होते हैं भाई, ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी होती है इनके साथ। A few moments later. ना गाइस यार जहरीले नहीं होते यार, मुझे लगा ना कहीं इनके पंजों में जहर तो नहीं होता है, पर दिख कितने क्यूट से नहीं रहे। ये देखो यहां पे कैसे दिख रहा है भाई, ये छोटा सा, ये भाई कितना स्लो चलता है, ये देखो भाई गुस्सा हो गया है, ये तो अटैक करने के मोड में आ गया। अच्छा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है, अरे हो गया रे हट। ये चपड़ गंजू बंदर मर जा साले, कहीं जाके डूब जा। मैं कह रहा था कि बंदर थोड़ी ना था यार ये चिंपैंजी टाइप का नहीं था। मुझे बताओ ये जो ये बंदर लग रहा है या फिर ये चिंपैंजी लग रहा है, बताओ तुम कमेंट से बताओ। चलो जिस चपड़गंजू के एरिया में हम फंसे हुए, तो इतना दिमाग खराब हो गया था ना इसकी पजल सॉल्व करने में। तो ये जो था ना ये चिंपैंजी जैसा दिख रहा है, चिंपैंजी काली, इसने गलत गलत दिखा रखा है, ये थोड़ी ना है, ये तो भाई बंदर है। ये कौन सी मछली है भाई, तो यार इसको तो मैं सर्च मारता हूँ जरा कौन सी मछली है भाई, हम भी तो देखें जाने। तो गाइस यार मैंने इसको रिवर्स सर्च मारा ना, तो ये वाली फिश आई भाई, ये बास्किंग शार्क हो गया, तो उसको हम बास्किंग शार्क बोलते हैं, ये उसकी फोटो लगी हुई है। हाँ यार ये बास्किंग शार्क जैसी तो लग रही है भाई, ऐसे ही मुंह खुला हुआ तो था ना इसका, आई थिंक यही होगी। मतलब स्पेसिफिकली अब जरूरी नहीं है कि यही वाली फिश है, मतलब इसी तरह की मछली थी भाई ये, लेकिन लग वैसी रही है। देखो देखो ये मछली ऐसे ही, देखो ऐसी लुक नहीं दे रही, बट इसकी जो आंखें है ना वो इधर पे हैं, बट इसकी आंखें जो हैं वो दिखी नहीं रही हैं, इसकी नाक दिख रही है बस, ये पिनोकियो की जैसी नाक। ये मैडक था सही में, नहीं यार इसको मैंने तो मैडक नहीं सोचा था भाई, तुम लोग भी मैडक ही लग रहे हैं, मैडक ही है शायद से यार ये तुम लोग को, जैसे ना कोई और कैरेक्टर या कुछ और लग रहा होगा ना एनिमल, तो कमेंट से बताना मुझे। तो ये तो वाली जगह है ना जहाँ पे, अरे तो साइरन नेट था वो, ये भालू था क्या भाई, ये भालू था भाई, ये नहीं पता था तुम लोगों को, लग रहा था ये भालू, लेकिन ऐसा भालू कहाँ होता है भाई, भालू तो ऐसा होता है ऊंचा बैठते 10 फीट का भालू, 10 फीट भालू, अबे 10 फीट के भालू के टेडी बेयर ही आते हैं भाई, असली भालू भी नहीं होता है। मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा कि ये भालू है यार, मैं तो इसको सायरन नेट का दूर का रिश्तेदार समझ रहा था, कोई उस तरह का क्रिएचर होगा वो सोच रहा था, बट ये तो भालू निकला यार। फिर नेक्स्ट क्रिएचर आता है हमारा भालू के बाद, ये तो एलिफेंट था भाई, ये तो मेरे को भी एलिफेंट ही लग रहा था, तुम लोगों को भी हाथी लग रहा होगा ना, ये तो हाथी ही था भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये हाथी है। फिर नेक्स्ट क्रिएचर आता है, ये तो छिपकली भाई, ये तो साफ साफ छिपकली दिख रही थी भाई, कितना साफ छिपकली, इसको तो मैं मान गया भाई छिपकली है, देखो ये पिछवाड़ा दिखा के कहां को चल दिया भाई, अरे तू जा रही है, दांत भी है बस, इंसानों जैसे दांत थे ना बस इस छिपकली के, अरे हो गया चटका दिया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है तुम्हारा ये गाय, हाँ जब वो वाले एरिया में नहीं पहुंचते, ये गाय की आवाज भी निकाल रहा था, मैं तो बोल भी रहा था कि गाय की जैसी आवाज क्यों निकाल रहा है, बट ये कितनी अजीब सी गाय बने थे ना यार ये। नेक्स्ट क्या है, हाँ ये स्लॉथ, ये क्या था भाई, ये तो उसने ब्लैक कलर का भाई कोई लिक्विड जैसा दिखा दिया, नहीं ना ये नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, देखो एक फिश होती है ना उसे बोलते हैं ब्लॉब फिश, मैंने कभी पुरानी वीडियोस में भी ना तुमको बताया होगा, ये देखो था ये वर्ल्ड्स अगलीस्ट फिश बोलते हैं, दुनिया की सबसे बदसूरत मछली, पानी के अंदर ये नॉर्मल होती है वैसे, पता है तुम्हें पानी के अंदर ना ये ऐसी दिखती है देखो, बट जैसी ना ये जमीन पे आती है ऊपर पे ना नॉर्मल एयर के प्रेशर में ऐसी दिखती है, देखो तो सही से एक बार यार। ये जो ब्लॉब था वो ये फिश है भाई, वो ये वाली ब्लॉब फिश है वो, ना कि ये काले रंग का ये पता नहीं क्या भाई क्या टुकड़ा दिखा दिया किसी चीज का है। ये ओके ये दूसरे टाइप वाला फ्रॉग है, ये रेड वाला फ्रॉग है, वैसे कैसे यार ने जो रेड फ्रॉग होता है शायद से एक फ्रॉग होता है ना वो जहरीला भी होता है भाई, इसको तुम छुओगे ना तो वो तुम्हें ना जहर लग जाएगा भाई, मारे जाओगे, पॉइजनस होता है वो। यहाँ पे भी तो एक मछली थी, ये मछली अलग थी क्या, नहीं यार वही मछली तो थी, नई मछली क्यों दिखा दी भाई, कुछ भी इस भाई ने ये दूसरी मछली दिखा दी है, ना ये वाली मछली नहीं है, ये वही वाली मछली थी जो उधर पे थी, ये रैबिट, ओके ये तो मुझे पता ही था भाई रैबिट है, तो साफ साफ बनी दिख रहा है
रैबिट बनी हमारा बड़े बड़े कान वाला, तो ये तो ठीक है भाई, ये सही है। इसको चटका दिया था हमने बढ़िया से, चटका चटका के हमने लीवर नीचे कर दिए थे। ओके, इसके बाद ये थी ना बिल्ली। अब मुझे एक चीज बताओ, क्योंकि तुम लोग बोल रहे थे ना कि वो बिल्ली नहीं थी जो लास्ट में था ना, वो लोमड़ी थी, मतलब मैं बोल रहा था कि वो लोमड़ी थी, तुम उसे बिल्ली बोल रहे थे। भाई बिल्ली ये है देखो ना, ये भी बड़ी बिल्ली, इसको ध्यान से देखो, ये सब बिल्लियां हैं देखो, इतनी तरह की बिल्लियां। ये बिलौटा ये होता है, ये जिराफ है। ओके, ये तो शौर्य की ये जिराफ था। अरे कहाँ पर टेबल के ऊपर कहा चढ़ गया जिराफ। सो ये तो ऑब्वियस है जिराफ है, बट इसका जो चेहरा है ना ये उदास है, तो ये उदासी जिराफ है, उदास रहता है थोड़ा सा। ये जो था ये भाई ये है, इसको क्या बोलते हैं, मेमेंटस बोलते हैं, नहीं तो यार ये ना ये वाला इंसेक्ट है जो ना ये लकड़ी जैसा दिखता है भाई, पेड़ पौधों जैसा बन जाता है। देखो 25 स्पीशीज होती है इसकी, एशिया में पाया जाता है। हाँ ये उसी टाइप का था कुछ, ये मैंने भी देखा था एक दिन, पर कुछ दिनों पहले ना गाइस मैं सीढ़ी पे अपने घर की सीढ़ी से उतर रहा था ना, तो उधर पे ना इस कलर का था वो, नहीं इस कलर का नहीं, ऐसा स्टिक जैसा था पूरा। मेरे को लगा ये डंडा पड़ा हुआ है, डंडा का टुकड़ा इधर से उधर क्यों हिल रहा होगा, फिर बाद में मेरे को समझ आया कि नहीं नहीं ये भाई ये तो कीड़ा ही होता है इस तरह का। एक बहुत डरावना, सोचो बिस्तर में तुम सोच रहे हो डंडा पड़ा हुआ है, तुमने बढ़िया से हाथ से उठा के फेंकने की कोशिश करी और ये भयंकर इसने चटका दिया तुमको। बट ये ना थोड़ा वाटरमेलन जैसा नहीं लग रहा था इसका थोबड़ा, जो इसका खोपड़ा है, मतलब थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप का वाटरमेलन नहीं लग रहा था, सिलेंड्रिकल शेप, देखो सिलेंड्रिकल लिखते हैं वाटरमेलन, सिलेंड्रिकल ऐसा खड़ा सा वाटरमेलन, ऐसे ही तो होता था, देखो तरबूज की तरह निशान बने हुए इस पे, तो ये शायद से इस कीड़े का और तरबूज का मिक्सचर टाइप का था। अरे यार ये लास्ट वाला भी आ गया, देखो इसको ना यार ये इसको बिल्ली क्यों कह रहा है भाई, लोमड़ी नहीं है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ठीक है। ओके तो गाइस ये थी ना वो। अब मुझे एक चीज बताओ ना, ये तुम्हें ना क्या लग रहा है भाई, ये तुम्हें लोमड़ी नहीं लग रही भाई, मेरे को तो लोमड़ी जैसी दिखती है, देखो लोमड़ी ऐसी नहीं दिखती है, देखो लोमड़ी का बच्चा है यहाँ पे, इसका मुंह ऐसा होता है और देखो तो कान होते हैं ऊपर को ऐसे, फिर मेरे को तो साफ साफ लोमड़ी लग रही है यार। कोई ये लोग इसको क्या बोलते हैं, बिल्ली बोल रहे हैं भाई, तुम लोग बताओ यार कमेंट से, पक्का बताओ जरा यार ये बिल्ली है या लोमड़ी, तुम्हें क्या लगता है भाई, या तो कैट लिखो या फिर फॉक्स लिखो, देखते हैं कि किस पे ज्यादा कमेंट्स आते हैं। तो गाइस यार ये थी वो वीडियो जिसमें हमने ज़ूनोमली के कैरेक्टर्स, जो ज़ूनोमली के मॉन्स्टर्स थे वो रियल लाइफ में किस एनिमल जैसे दिखते हैं वो चेकआउट किया। तुम लोग बताओ कि कमेंट्स में क्या ये इसने सारे के सारे क्रिएचर सही बताए और कहीं कोई क्रिएचर मिस तो नहीं कर दिया इसने, मुझे कमेंट्स में बताओ। बाकी गाइस यार अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ज़ूनोमली के कैरेक्टर्स के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो प्लैनेट जो रहस्य में लेके आऊं, तो यार लाइक करो भाई, लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग भाई, कैसे बनाओ उसके ऊपर वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करोगे तो तब जाके तो बनेंगी वीडियोस। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।